वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हैं कैट इंस्टॉल। जैसा कि मैंने कहा था, टच स्क्रीन स्टीरियो लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने तो दरअसल वो ले लिया था, आज जाऊंगा उसे लगाऊंगा या लगवाऊंगा, बाकी देखते प्लान कैसा होगा। गाड़ी के अंदर कुछ काम भी आ गए हैं अलाइनमेंट वगैरह का, और बाकी बैलेंसिंग चेक करवा लूंगा अगर हुई तो। बाकी कहना चाहूंगा, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, पहले चलते हैं गाड़ी की अलाइनमेंट करवाते हैं बढ़िया से टाइम लैप्स के साथ। चलो कहना चाहूंगा, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है, स्टेयरिंग ऐसा मोड़ दो ना तो मोस्टली टाइम में ऐसे ही मुड़ा रह जाता है, और थोड़ा थोड़ा मुझे एहसास हो रहा है कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर ना प्रॉब्लम है स्टेयरिंग की, टाइट चल रहा है, तो इसलिए करवानी ज़्यादा जरूरी है। भाई कह रहे अभी टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, करने वाले बहुत है, दूसरी जगह चलते हैं। चलो फिलहाल मैं एक और बार इम्तियाज भाई की दुकान पे आया हूँ। मैंने बताऊंगा नहीं मैंने सेट कितने का लिया, कहाँ से लिया, लेकिन हाँ मैं इनसे एक बार प्राइस जरूर लेना चाहूंगा कि भाई अगर ये मैं बाहर से ले लेता तो कितने का था, ओवर प्राइस बताकर चेक करूंगा कि भाई क्या कहते हैं। बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा एक्चुअली मैंने किस प्राइस पे लिया, आप सुनकर शौक हो जाओगे। सेट है 21,000 रुपए का असली, लेकिन मैंने 21,000 का नहीं लिया, डोंट वरी। मैंने जो लिया है 2000% ओरिजिनल पायनियर लिया है। पहला काम, चलो मैं म्यूजिक सिस्टम की फिटिंग करा लेता हूँ। एक स्टीरियो लगाना है इसमें टच स्क्रीन। 3:30 हो चुका है, कल है ईद, थोड़ी बहुत ईद की भी तैयारी करनी है, तो भाई मुझे नहीं पता आज मैं वीडियो डाल पाऊंगा या नहीं, बट इतनी कोशिश तो जरूर करूंगा। सबको ईद मुबारक, जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, हो सकता है ईद हो गई हो या होने वाली हो। बताना ओरिजिनल है। अब ले ही आए तो ले ही लेंगे, क्या दिक्कत है, फिर भी तुम्हारे हिसाब से कितने का ठीक है ये? ऑनलाइन इसका जो प्राइस है अमेजोन वगैरह पे, MRP रेट इसका आ रहा है 21,000 रुपये, देख लिया होगा बक्से पे। अच्छी बात ये है कि मेरी कार की कोई भी वायरिंग पहले भी नहीं कटी हुई है और अब भी नहीं है। ये वाली सारी तारें निकालेंगे, वो वाला कपलर लगाएंगे, छुट्टी। इसमें मारियो खेलेंगे, मारियो है ना, सुनो ब्रो उसके लिए। सेम टाइम पे मैंने डिसाइड किया है स्टेयरिंग व्हील का जो कवर है उसे चेंज करने की, स्टिचिंग वाला कराने की, बढ़िया से सिलना भाई एकदम टाइट। स्टेयरिंग व्हील कवर लगा तो पहले से ही हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसे चला रहा होता हूँ ना, तो ये जो साइड की एजेस है ना, ये बड़ी परेशान करती है, साथ में ना ये फिसलता है, मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। चाहूँ तो इसे भी टाइट करा सकता हूँ, लेकिन नहीं यार नहीं। मैं तेरा गला घोटूंगा आज। अबे फिर फंस गया है, अरे मार दिया रे। जो बात हमारी चेतना और हमारे जमीर दोनों पर हावी होती है, वो बात दरअसल हमसे एक ही बात कहती है, सतर्क रहो, सही कदम उठाओ और उसे अभी उठाओ। इस एक सेट के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंटीना, माइक, स्टीयरिंग व्हील माउंट, साथ ही कहना चाहूँगा स्टीरियो, और अप टू कहना चाहूँगा 3 अलग अलग डिफरेंट एम्पलीफायर आप इसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम। कैमरा कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, USB कनेक्ट कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। इसका फ्रंट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ डलती है दरअसल CD, और कहना चाहूँगा भाई यहाँ इसके आवाज़ बढ़ाने घटाने के, म्यूट करने के, पावर के बटन, गाना आगे पीछे पॉज, डिस्प्ले ऑन और ऑफ करने के बटन, ये है पूरी की पूरी टच स्क्रीन डिस्प्ले। एक बार लग जाने तो उसके बाद मैं आपको इसके फीचर और रिवील करके बताता हूँ। समीर भाई का स्ट्रगल देखो, कुछ ही रोड पे फैले पड़े हैं एकदम, पसीने के मारे बोले हाल खराब हो रहे हैं आज। हमारी गाड़ी ना ये, तो हमने कहा एक एक टाका बराबर चाहिए, तो भाई कह रहे तुमने फजीते करा दिए मेरे, तो यार इतनी मेहनत से।
मेरी वायरिंग है सिंगल, यहाँ से एक एक पॉइंट जाते हैं, पीछे जाके ड्यूल कनेक्टर से वो दो हो जाते हैं। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पर करी है, 1/2 के दो कनेक्टर लगाए हैं जो कि मेरे पास वैसे तो पड़े हुए थे, थोड़ी सी लीड लंबी करने के लिए भी उसका इस्तेमाल करना पड़ा है। टैक के पीछे स्लॉट्स है 3 एम्पलीफायर तक लगा देने के, तो हमने क्या करा 1 or 2 चैनल, 3 or 4 चैनल यूज कर लिया इसका। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। बड़ी मेहनत करी है भाई ने आज, ना थक गए होंगे भाई, है ना, काम कर करके। चलो भाई आना हो तो द्वारका सेक्टर 7 और ब्रह्मा अपार्टमेंट के जस्ट सामने इम्तियाज भाई, यही है ना, फोटो से बंदा मैच कर लो, दुकान ही नहीं की है। चलो 20 minutes later इन सगे ना बैक ऑन बालाजी मोटर। चलो गिर दो मारी टक्कर का। स्टेयरिंग बहुत टाइट हो चुका है और साथ ही में ना घूम के ना सीधा भी नहीं हो रहा है, मुझे लगा कि हाँ भाई अलाइनमेंट की जरूरत है, चेकअप करा लेना है। क्यों बड़े भाई भी आ गए यहाँ पे, वही वाला कंप्यूटर है ना जिससे स्पेसशिप लॉन्च हुई थी, जादू से बात कर सकते ना इससे हम। इसको उड़न तस्तरी बनाने की तैयारी चल रही है। कुछ था आउट थी। चलो तो कहना चाहूंगा मुझे पढ़ा तो ये बहुत सस्ता है, लेकिन कहना चाहूंगा घर पे तोड़ाई बहुत होगी। अब हमने ये सोचा ना यार हमारे पापा है गाड़ी चलाएंगे, तो लगना चाहिए ना यार कि मतलब कुछ फील आना चाहिए गाड़ी के अंदर। इससे पहले जो सिंगल डिन का स्टीरियो लगा हुआ था ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था देखने में कि ओला उबर वाला हो भाई, झूठ नहीं बोलता। अब थोड़ा लग भी रहा है कि ये पर्सनल कार के लिए, और वाकई बताऊं टच इसका बहुत रिस्पॉन्सिव है, टच चलाने में मजा बहुत आया इसका भाई, झूठ नहीं बोल रहा। टच करके मारियो खेलेंगे भाई। अलाइनमेंट हो गई डन, भाई ने कहा कि थोड़ी सी आउट थी उसने ठीक कर दी। टायरों के अंदर अभी हवा कम है, मैं थोड़ी सी हवा भराऊंगा और उसके बाद आपको प्रॉपरली बताता हूँ कि भाई हाँ कुछ फर्क आया या नहीं आया। दैट्स इट, बस हो गया सारा कमाड़ इकट्ठा कर। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क लग रहा है कि रीज़न ये भी है स्टेयरिंग व्हील कवर चेंज करवाया ना, तो अब ग्रिप ना पहले जैसी नहीं है, जो सड़ी सड़ी सी ग्रिप थी वो नहीं है, जैसी एग्जैक्टली मुझे चाहिए थी वही मुझे मिली है। अलाइनमेंट करा के मुझे बहुत फर्क महसूस हो रहा है, मैं क्या करता था इधर गाड़ी घुमा देता था ना तो स्टेयरिंग सीधा नहीं हो रहा था। ठीक है, इंटीरियर के अंदर अगर आप लाइटें ऑन करके गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बाहर देखने में कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान ना नीचे भी लगा रहता है टिमटिमाती इन लाइटों में। तो आपकी मर्जी है, इन लाइटों को सिर्फ उन मोमेंट पे यूज़ करो जिस टाइम आप चाहते हो, जैसे आप कहीं खड़े हो, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई गाड़ी के अंदर नहीं मिल रही, फिर फ़ोन की फ्लैश मारने से बेहतर है आप इस लाइट को लगवा लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। प्राइस के बारे में बात करूँगा तो मैंने ये लिया सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपये का, और इस सेट की कीमत है 21,000 रुपए। I never heard of you. लेकिन मेरे को तो 7,500 का पड़ा, हमें तो भाई 7,500 रुपए में कोई बुरी डील नहीं लगी। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन बाद, इस पूरे के पूरे सिस्टम का यूज़ करके एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कैसा रहा। साथ ही ये भी बता देता हूँ कि आपको इसे लगवाना कितना वर्थ रहेगा या नहीं, चाहे बात इस स्टीरियो की करूँ या किसी दूसरे स्टीरियो की, आपको लगवाना चाहिए या नहीं। इसके आउटपुट में तो बहुत फर्क नजर आया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी किसी का फोन आंसर करने में, लेकिन यहाँ पर अब नीचे की तरफ ही बटन है कि मैं कॉल लगा काट सकता हूँ। तो मैंने गाड़ी रोकी, किसी को कॉल लगा ली, फ़ोन पर मैं बात कर रहा हूँ, माइक यहाँ लगा हुआ है जिससे मैं इजीली बात कर सकता हूँ। मेरे पास एंड्रॉयड भी है, आईफोन भी है, मैंने दोनों डिवाइसेस के साथ एक्सपीरियंस करके देखा इसके ब्लूटूथ को कि क्या कहीं कोई डीले तो नहीं है। क्या रहता है कि काफ़ी बार हम कभी भी किसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ खड़े होके फिर यूँ सोचते रहो ब्लूटूथ कनेक्ट होगा,
अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया दोबारा कनेक्ट कैसे होगा, या मैं कभी गाड़ी में बैठूंगा तो मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से कुछ नहीं है, कोई डिले नहीं है। गाड़ी में चाबी लगाई, ऑन किया, आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है, कोई सर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना। जबकि आईफोन के अंदर थोड़ी सी परेशानी रहती है ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की, या कभी हॉटस्पॉट कनेक्ट करा हो तो देखा हो तो थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। स्टिल एक बारी में बिना सर्चिंग के कनेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि ब्लूटूथ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है इसका। इसके अंदर GPS नहीं आता क्योंकि इसके अंदर आता है ऑप्शन DVD का, तो अगर ये GPS वाला रहता तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। बट मेरे को एक अच्छी खासी डील मिली तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसके साथ ही डील कर लेंगे। मुझे सिर्फ ये कहना चाहूँगा वो सिंगल डिन का जो स्टीरियो था थोड़ा सा बुरा लग रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि इसको हटाना तो चाहिए ही चाहिए। अब जब ये करोल बाग या कश्मीरी गेट से नहीं आया है, ये आया है पायनियर से डायरेक्ट इम्पोर्ट होके। मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरी एक लास्ट वीडियो में भी आया था, वो भी कहीं ना कहीं कश्मीरी गेट से अपना MV सीरीज का कुछ ऐसा ही पायनियर लेके आया था, तो मुझे ये पता चला है कि उसको नकली दे दिया और वो पहचान भी नहीं पाया। तो दोस्तों कहना चाहूंगा मार्केट के अंदर ऐसे बथेरे लोग बैठे हुए हैं जो आपको नकली चीजें चेपने में एक्सपर्ट है। लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको सारी चीजें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं ये पहचानने में कि प्रोडक्ट असली है या नकली। वो वीडियो स्टिल अभी तक नहीं देखी हो मेरी Q&A की, तो वो यहाँ पर ऊपर आ रही होगी, जाकर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट असली है नकली है, उसकी पहचान कैसी होती है। उसी वीडियो में ही मैंने बताया मुझे इस स्टीरियो के अंदर कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे कि स्क्रीन मिररिंग का, दूसरा ऑप्शन मुझे ये भी मिलता है कि भाई ब्लूटूथ का, ऑक्स का, रियर व्यू कैमरा मैं इसी में देख सकता हूँ, रियर व्यू सेंसर चलते हुए दिखते हैं इसके अंदर, स्टीयरिंग माउंट इसी के अंदर ही लग जाते हैं, तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं। स्टीयरिंग व्हील माउंट भी लिमिटेड गाड़ियों के अंदर लगते हैं, जिनके अवेलेबल होते हैं उन्हीं के अंदर लगते हैं। ब्लूटूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑक्स बहुत अच्छी काम कर रही है। प्रॉब्लम बस यही है कि अगर फ्रंट की तरफ इसका ऑक्स दे दिया होता तो फ्रंट से इजी रहता लगाना, इसका ऑक्स पीछे की तरफ से आ रहा है तो थोड़ा सा मैसी लगता है कि वो अंदर की तरफ से आ रहा होता है। USB का भी सेम वही सिनेरियो है। अकॉर्डिंग टू द लुक मुझे तो डिवाइस काफ़ी अच्छा लगा, डील भी अच्छी लगी, प्राइस भी अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है मुझे आउटपुट में फ़र्क लगा, साथ ही मैं कहना चाहूँगा मुझे ओरिजिनल डिवाइस मिला, मुझे उस चीज़ की खुशी है। मैं कहना चाहूँगा भैया मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया और मेरे फादर अब इसका यूज़ करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। दो दिन बाद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ मैं इस गाड़ी के साथ, इस स्टीरियो को यूज़ कर करके चला चला के मैंने एक्चुअली में जो चीज़ें जानी हैं वो ये हैं। स्क्रीन मिररिंग कुछ खास काम की नहीं होती क्योंकि स्क्रीन मिररिंग में हल्का फुल्का डीले आता है, रादर देन इसके अगर ये एंड्रॉयड हो जिसके अंदर प्रॉपरली आप पूरा अकाउंट वगैरह कन्फिगर कर सकते हो, लाइक अ टैबलेट आप एक अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, प्रॉपरली आप चला सकते हो, अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया फिर आप इंटरनेट से उसे चला सकते हो, वो एक अच्छी चीज़ है। आप अपनी पेन ड्राइव के अंदर वीडियोज़ या मूवीज़ म्यूज़िक स्टोर करके रखो और उनको यूज़ करो तो आपको स्क्रीन की पूरी फैसिलिटीज़ यूज़ करने को मिलेगी। मिररिंग का नुकसान मुझे सिर्फ ये लगा कि डिवाइस को चलाने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत है, तो जब ऑलरेडी अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने गूगल मैप अगर अपने फ़ोन में डेडिकेटेडली लगा ही रखे हैं तो दो दो जगह GPS चला के कोई फ़ायदा है नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मिरर का फीचर किसी काम का है नहीं। लेकिन ये कहना चाहूँगा स्क्रीन बड़ी होती अगर तो बड़ी में छोटी स्क्रीन से अगर बड़ी स्क्रीन पे मिरर करते हैं तो समझ आता है, छोटे फ़ोन से एक थोड़ी सी बड़ी LCD में मिरर करना मुझे तो वर्थ नहीं लगता। दोनों तरफ ही कहीं ना कहीं डिवाइस की एनर्जी लग रही है, बैटरीज लग रही है, और जैसे फ़ोन तो हमारा डायरेक्टली मिरर कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, चार्ज भले ही हो रहा है वो लेकिन कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन की वजह से मुझे ऐसा लगा। एंड्रॉयड फ़ोन को आप अपने चला सकते हो लेकिन एप्पल में अगर आप मिरर करते हो तो सिर्फ आप मिरर कर रहे हो, आप जो चला रहे हो वो उस पर, तो मुझे ये फीचर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ खास नहीं है। बाकी कहना चाहूँगा एज ऑफ नाउ रियर व्यू कैमरा इंस्टॉल नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि एक्चुअली रियर व्यू कैमरा कितना अच्छा रहता अगर मैं इंस्टॉल करता, तो उसकी तारें वगैरह सब कुछ सेपरेट है तो वो गियर से जब कनेक्ट हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जहाँ तक मेरा मानना है अब तक तो इस सेट के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बस एक हेयरिंग, थोड़ा सा आउटपुट और थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल गई, देखने में थोड़ी सी लुक इनहांस हो गई है और कुछ खास नहीं, कॉल यहाँ से अटेंड कर सकता हूँ। मिरर का फीचर मैं कभी यूज़ करूँगा नहीं, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो फॉर एग्जांपल एक एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन भी ले रखा है उसके भी बहुत लिमिटेड फीचर यूज़ करता हूँ। मैंने अगर अपना लैपटॉप भी ले रखा है मैक तो उसके अंदर भी मैं वीडियो एडिटिंग और छोटे मोटे काम करता हूँ, ये नहीं हर चीज़ के अंदर घुसे ही पड़े रहो, जितना जिस चीज़ का काम है मैं उतना यूज़ करता हूँ। अच्छा लगता है कोई सामने से बंदा आए और वो देखे हाँ भाई इस बंदे ने ये लगा रखा है ये लगा रखा है। डिवाइस को मैं रेट करूँ तो मैं कहना चाहूँगा 6/10 करूँगा, 10 नहीं करूँगा। रीज़न बिहाइंड ये कहना चाहूँगा
कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हाँ भाई मिररिंग का ऑप्शन थोड़ा सा इजी होता, या कहना चाहूँगा मिररिंग एक तरफ बंद होके मैं पूरा प्रॉपरली फ़ोन एक्सेस कर सकता अपना, तो बहुत सही था। बाकी आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना है डिवाइस आपको कैसा लगा या आपको इंस्टॉलेशन कैसी लगी। काफ़ी सारे और भी काम करवाने थे जो कि मैं नहीं करवा पाया। बाकी बारिश तो हर जगह हो ही रही है, आप भी भीग रहे होंगे, तो इसलिए मैं कभी सोचता हूँ जाके गाड़ी धुलवा लूँ तो बारिश की वजह से खुद ही धुल जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों। मेरा ओपिनियन बाकी इन चीज़ों को लेके यही है कि अगर आपका बजट है, थोड़ा सा चाहते हो लुक अच्छी आ जाए गाड़ी के अंदर, टच स्क्रीन आप यूज़ कर लो, माइक वगैरह आपने लगा लिया है, कॉल अटेंड आप यहाँ से कर लो, कॉल वहाँ से मिला लो, और स्टेयरिंग व्हील माउंट अगर लगते हैं आपकी गाड़ियों के अंदर, कुछ कोरियन वगैरह गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर लिमिटेड गाड़ीज़ के अंदर ही लगते हैं, वो आप लगाना चाहो लगा लो। साथ ही में आपके पास एक अच्छी कुछ 10-12 फैसिलिटीज़ आएँ जो इजीली ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाए, आपको ज़्यादा फचड़े में ना पड़ना पड़े, मज़े से टच चलता है, इसकी आवाज़ 40 तक जाती है और फटती नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं कस्टमाइजेशन को लेके, ग्राफिक को लेके, इल्यूमिनेशन को लेके, बेस बूस्टर वगैरह। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माय स्पेंड राइट हेयर। बस उस दिन मैंने नीचे नीली नीली लाइटें लगाई थी। अगर डे की भी बात कर लूँगा तो डे में भी ऐसा नहीं है कि लाइटें नहीं नज़र आती, डे में भी नज़र आती बढ़िया। तो जो नीचे लगी हुई लाइटें हैं वो है डोर पर, ताकि दरवाजे खुलने पर ही वो लाइटें जले, बाकी टाइम मुझे नहीं चाहिए। वो लाल पीली हरी नीली वो मैंने एकदम हटा दी, मैंने कहा वो भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक कलर की चाहिए, और थोड़ी नियॉन कलर अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा कूल लगता है, कभी खड़ी गाड़ी कोई देखता है तो अच्छी भी लगती है। बाकी जो भी है मैं चाहूँगा मेरे फादर भी इन सारी चीज़ों को इन्जॉय करें। अपना कमेंट डाउन करके बताना ज़रूर ये वीडियो कैसी लगी, इसके बाद की वीडियो किस चीज़ के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर बनाओ आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। सुबह के 6:20 हो रहे हैं।